नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। जो जमीन खाली है वह हमारी है, इस नारे के साथ दलित आदिवासियों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इन्होंने पहले एसपी ऑफिस में कूच किया, एसपी कार्यालय का घेराव करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंच गए। दलितों की मांग है कि 5 एकड़ जमीन का पट्टा दिया जाए। इनका आरोप है कि सरकार जमीन देने की बात कहती है लेकिन अब तक उन्हें पट्टा नहीं दिया गया और जो जमीनें भी दी गई है वो वन भूमि की जमीन इन्हें दी गई, जबकि इन्हें राजस्व भूमि की जमीनें दी जानी चाहिए। हम आपको बता दें, 1 फरवरी से नई गढ़ी में लगातार इन दलित आदिवासियों का अनशन चल रहा था। दलित महासभा के बैनर तले ये सभी 1 फरवरी से लगातार नई गढ़ी में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब मामला नहीं बना तो इन्होंने रीवा के तरफ रुख अपनाया और सभी महिला पुरुष नई गढ़ी से पैदल ही चलते हुए रीवा पहुंचे। रीवा में इन्होंने सबसे पहले एसपी ऑफिस का घेराव करने के बाद ये सभी दलित महासभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव करने लगे। इन्होंने मांग की है कि 1 साल पूर्व जमीन दिलाने के लिए लिखित आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। ये सभी चाहते हैं कि इन्हें 5 एकड़ जमीन राजस्व की जमीन दी जाए लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी है। हम मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने। यहाँ पर दलित महासभा के काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। वो अपनी मांगों को लेकर आए, वो चाहते हैं तहसीलदार और TI पर का निलंबन हो। 1 साल पहले उनको ज़मीन देने की बात कही गई थी, उनको ज़मीन मिले। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे साथ दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करें। प्रदेश अध्यक्ष क्या है आपका पूरा मामला? हम लोग 2012 से पूरे मध्य प्रदेश में संगठन चला रहे हैं। पिछले साल यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोग आए, 2-3 दिन अनशन किए। यहाँ के कृषि मंत्री कलेक्ट्रेट से भी वो बोले कि हम लिखित में आश्वासन दिए कि सभी लोग हम लोग सबको पट्टा दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी बीच में अभी 1 तारीख को नई गढ़ी में जब 1 तारीख को नई गढ़ी में क्या पूरा क्या मामला है आप बताएं। सिंपल, हम लोग अभी काफ़ी दिन पहले बैठे थे तो अचानक क्या हुआ, मेरे बैठे दूसरे दिन तहसीलदार ने घराना धमकाना चालू कर दिया और कुछ लोग जो तहसीलदार ने गुंडे पाल रखे अंदर, उन्होंने हमारी बहन बेटी को छाती पे हाथ मारा, लात मारा, गाली जाती थी, गालियाँ उठी। उनका नाम है निर्णय शर्मा और जगदीश। काफ़ी लोगों ने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, क्या है आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जो लोग हम लोगों के साथ, जो हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की हैं, उन लोगों को तुरंत ही उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? सुनीता साहब जी, आपका क्या नाम है और क्या है आपका मामला? मेरा नाम सलीमा खान है, जिला का, हमारी भी यही मांगे हैं कि
हम लोग के साथ बदतमीजी की है, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्या कहेंगे आप? भैया का कहना है कि हम गुंडेदारी पाले। क्या नाम है आपका? यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सबका साफ तौर से कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई, जिन लोगों ने बदतमीजी की गई उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमको जो आश्वासन एक साल पहले कलेक्टर ने दिया था उसका हमें तो यहाँ पर जमीन हमको दिलाई जाए, और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चालू रहेगा। रीवा दर्शन की मैं जागरूक हूँ।